श्री राज राजेश्वरी श्री राधा रानी की जन्मभूमि बरसाने जहाँ पर एक सेठ रहता था उस पर श्री राधा रानी ने बड़ी अद्भुत कृपा की। आइए हम इस कहानी के माध्यम से उस घटना को श्रवण करते हैं। सेठ एक था जिसके घर में बेटे थे भाई तीन, हो जाए एक बेटी कैसे देख रहा था दिन। दर दर भटका तीर्थ कर लिया बेटी हुई ना जब, होकर मायूस घर में अपने सेठ बैठ गया तब। चांदी रुपया कुछ भी मन ना भाए, बेटी की भई तलब सेठ को जब जब मन में सताए। आधी आधी रात सेठ की नींद उड़ी जब जाए, मन ही मन में राधा जी को उसने लिया गोहरा। शादी कर दिया बहुए घर में लाया, गांव नगर में धूमधाम से खुल के जश्न मनाया। फिर भी उसके दिल की बेचैनी ना हुई खत्म, बिन बेटी वो जी रहा था हृदय पे ले किस्तम। एक दिन बात ये मन में आई बरसाने को जाऊं, जाके अपना दुख दर्द मैं राधा जी को सुनाऊं। करके वो तैयारी फट से टिकट तो लिया कटा, बेटी की चाहत में पहुंचा बरसाने को आए। जी के तीन तीन पुत्र थे, बहुएं भी थी, अगाध धन संपत्ति धन दौलत सब कुछ भगवान ने परिपूर्ण कर दिया था, सब कुछ भरा हुआ था। लेकिन सब कुछ रहते हुए भी सेठ के जीवन में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, उनकी कोई बिटिया नहीं थी और उस बिटिया के लिए वो दिन रात तड़पते रहते थे। एक दिन एक संत भगवान का आगमन हुआ और उस संत भगवान से इन्होंने अपनी बात रखी। इन्हें उदास देख करके संत भगवान ने सेठ जी से कहा कि तुम्हें जीवन में जिस चीज की भी कमी हो, जिस रिश्ते संबंध की कमी हो, ठाकुर जी से संबंध बना लो, श्री राधा रानी से संबंध बना लो। और इस बात से प्रेरित होकर के सेठ ने मन में विचार ये बनाया कि पहुंचा बरसाने में और गया श्री राधा रानी के चरण में बैठा और जाकर के श्री राधा रानी को ही अपनी बिटिया मान लिया। आइए आगे सुनते हैं क्या हुआ। सुबह सुबह जल्दी से नहा के लेके फूल की माला, राधा रानी के मंदिर में अर्जी अपनी डाला। हाथ जोड़ कर बोला मुझ पे कर दो इतना करम, बन जाओ मेरी बेटी मेरा सफल करो जीवन। कबूल माफ कर देना आज तक के मेरे सारे भूल। बेटी मान रहा हूँ तुमको लेना पिता बना, बेटी बाप के रिश्ते को तुम देना खूब निभाए। बेटी मान के राधा रानी को जब घर राधा मेरी बेटी आज से सबको बात बताया, उसकी बात का सबने मिलकर दिया हंसी उड़ा। बेटे बहू ने सेठ को पागल दिया बताए। बहुत दिनों के बाद सेठ के घर में फंक्शन आया, बहुओं ने चूड़ी पहनन को चुड़ी हारिन बुलवा।
चौथी नार। चुड़ीहारिन ने सोचा होगी सेठ के रिश्तेदार। सेठ के घर में एक दिन उत्सव हुआ और उस उत्सव में शामिल होने के लिए सभी बहुएं अपने अपने हाथों में चुड़ीहारिन को बुला करके चूड़ियां पहनने लगी। लेकिन लगे हाथ उन तीन बहुओं के साथ में मेरी श्री राधा रानी भी घूंघट ओढ़े आकर के उन तीन बहुओं के साथ बैठ गई और चुड़ीहारिन ने उन तीन बहुओं के साथ साथ श्री राधा रानी के भी हाथों में चूड़ियां पहना दी। लेकिन घूंघट के कारण वो चुड़ीहारिन देख नहीं पाई कि ये चौथी कौन है। आगे क्या हुआ? चुड़ीहारिन ने चूड़ी का बिल तौलिया बनाए, लेकर सेठ के पास है पहुंची, उसको दिया दिखाए। चार लोग का बिल देख कर सेठ ये बोला, बता मेरी तो है तीन बहुएं, चौथी कौन दिखा। चुड़ीहारिन ने बोला, चूड़ी चार लोग ने पहना, जिद ना करो सेठ तुम, अब तो मान लो मेरा कहना। सब तो घूंघट में थी, कैसे करती मैं पहचान, मैं तो सच्ची बोल रही हूँ, मान सेठ तू मान। मन ही मन में सोच रहा, अब लगा हिसाब ये कैसा। इतना सोच के खाना खा के सेठ सो गया। जब राधा रानी सेठ के सपने में आ गई, तब चुड़ीहारिन तब सेठ के पास पहुंची और जाकर के उसने चार बहुओं को जो चूड़ी उसने पहना रखी थी उसके पैसे मांगने लगी। सेठ ने कहा, हमारी तो तीन ही बहुएं हैं, तुम चार का कौन सा पैसा मांग रही हो? चुड़ीहारिन ने कहा, सेठ हमने तीन नहीं चार चार बहुओं को चूड़ी पहनाई है। चाहे चुड़ीहारिन ने जितनी भी जिद की, लेकिन सेठ ने मात्र तीन ही बहुओं की चूड़ी पहनाने का उसे पैसा दिया और बाद में लगा सोचने। फिर क्या हुआ? बोले, पिता हो तुम मेरे, क्या भूल गए ये बार, बरसाने में आके तुमने दिया था ये सौगात। इतना सुन के सेठ को जब ये बात याद है आया, पकड़ के राधा रानी चरण को आंसू खूब बहाया। खुल गई जब श्री राधा को पहचाना, दूंगा चुड़ीहारिन को पैसा, मन में अपने ठाना। लेकर सारी संपत्ति चुड़ीहारिन के घर पहुंचा, चुड़ीहारिन ने देख सेठ को, मन में अपने सोचा। चौथी मेरी राधा बिटिया थी, ये दिया बता।